डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है उन विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 10 के हों, चाहे वो क्लास 12 के हों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सजातीय श्रेणी। तो हम समय बिना गंवाए सीधे टॉपिक पे आते हैं। सजातीय श्रेणी क्या है हम आपको समझाते हैं और हमें उम्मीद है आपके समझ में आएगा, बस थोड़ा सा समय जरूर चाहिए, स्किप मत कीजिएगा। सजातीय श्रेणी क्या है तो लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, कार्बनिक यौगिकों का थोड़ा सॉरी खांसी आ रही है, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनमें अणुभार बढ़ते क्रम में हो, कामा समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तथा CH2 का अंतर होता है कामा सजातीय श्रेणी होता है तो वे सजातीय श्रेणी में कहलाते हैं। बड़ा ही आसान डिफिनेशन। कोई भी कार्बनिक यौगिकों का समूह जिसका अणुभार बढ़ते क्रम में हो, समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, CH2 का अंतर हो, उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। हम आपको उदाहरण लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपके समझ में 100% आएगा। देखो, जैसे मान लो हमने लिख दिया CH4, C2H6, C3H8, C4H10 आदि। अब हम देखते हैं क्या यह सजातीय श्रेणी में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अणुभार। तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो 12 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन परमाणु है तो 12 दूनी 24 और हाइड्रोजन 6 है तो 24 में 6 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। ठीक, इसके पश्चात कार्बन का 12 होता है, 3 कार्बन है तो 36 हो गया, 12 या 36, और 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 8 हाइड्रोजन है तो 8 हो जाएगा, 8 6 14 3 1 4 44 हो गया। कार्बन का 12 4 48 धन, हाइड्रोजन का 10 कितना हो गया, 58। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अणुभार बढ़ते क्रम में है, 16 है, फिर 30 है, फिर 44 है, फिर 58 है, अणुभार बढ़ते हुए क्रम में है। क्रियात्मक समूह इसमें है ही नहीं, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। क्रियात्मक समूह जैसे -CH2, -COOH, -NH2, -NO2, -OH, तो ये सब क्रियात्मक समूह होते हैं, एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, एल्कोहली समूह, नाइट्रो समूह, एमिनो समूह, तो ये सब इसमें तो समूह है ही नहीं, तो क्रियात्मक समूह देखना ही नहीं है। अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस कितने का है। देखिए, C2 में से C जाएगा, इसका डिफरेंस C2 में से C निकल जाएगा तो C बचेगा, और H6 से H4 जाएगा तो H2 बचेगा, डिफरेंस ये हो गया। इसका डिफरेंस देख लेते हैं, C3 से C जाएगा, C बचेगा, H8 से H6 जाएगा, H2 बचेगा। इसका डिफरेंस देख लेते हैं, C4 से C जाएगा तो C3 जाएगा तो C बचेगा,
और एच टेन से एच एट जाएगा तो एच टू बचेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सब में सी एच टू का अंतर भी है और अणुभार बढ़ते क्रम में है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, सजातीय श्रेणी हो गया। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। जैसे मान हमने लिख दिया सी एच थ्री ओ एच कामा सी टू एच फाइव ओ एच कामा सी थ्री एच सेवन ओ एच, ठीक है। देखते हैं क्या ये सजातीय श्रेणी में है। तो पहला नंबर देखते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। तो आप देख सकते हैं इसमें भी क्रियात्मक समूह OH है, इसमें भी क्रियात्मक समूह OH है, इसमें भी क्रियात्मक समूह OH है। तो तीनों में क्रियात्मक समूह समान है, ठीक है ना। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, अणुभार। क्या देखते हैं, अणुभार देखेंगे। क्या अणुभार बढ़ते क्रम में है, तो कार्बन का होता है 12 धन, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का देखो तीन यहाँ है एक यहाँ, चार हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का एक होता है तो चार हाइड्रोजन का चार, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है तो यहाँ लिख देंगे 16। तो 6, 4, 10, 2, 12 यहाँ एक हासिल हो गया, 1, 2, 3 तो ये हो गया 32। अब इसका देख लेते हैं, ये पहले वाले का हो गया 32, ठीक है। इसके पश्चात इसका कार्बन का 12 होता है तो दो कार्बन है तो हो जाएगा 24, हाइड्रोजन 5 यहाँ एक यहाँ 6 तो 6 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एक तो 6 हाइड्रोजन का 6, और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो ये हो गया 6, 6, 12, 4, 16 हासिल एक लगा, 2, 1, 3, 1, 4 ये हो गया 46, ठीक है। इसके बाद इसमें आते हैं एक कार्बन का 12 तो तीन कार्बन का हो गया 12, 3, 36, हाइड्रोजन 7 यहाँ एक यहाँ तो ये हो गया 8, और ऑक्सीजन का 16 तो 6, 8, 14, 6, 20 हासिल लगा 2, और 3, 2, 5, 1, 6 ये हो गया 60। अब आप देखिए इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसमें कितने का डिफरेंस है, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी ये 14 है क्या, ये 14 है सी एच टू, ये जो 14 है क्या है, सी एच टू है, ठीक है ना। देखो सी टू से सी जाएगा तो सी बचेगा, एच फाइव से एच थ्री जाएगा तो एच टू बचेगा, और ओ एच से ओ एच जाएगा तो खत्म। तो कार्बन का हो गया 12 और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का 2 तो 12, 2, 14 यानी इससे ये 14 ज्यादा है, इससे 14 ज्यादा ये है, सी एच टू का अंतर है तो 14 ज्यादा भी है, ठीक है ना। इसका डिफरेंस देख लेते हैं तो सी थ्री से सी टू जाएगा सी बचेगा, एच सेवन से एच फाइव जाएगा तो एच टू बचेगा, ओ एच से ओ एच कैंसिल। तो यहाँ इससे ये 14 ज्यादा है तो यहाँ भी देख सकते हैं 14 ज्यादा है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि क्रियात्मक समूह OH सभी में समान है, अणुभार बढ़ते क्रम में है, 32 है, फिर 46 है, फिर 60 है, प्लस CH2 का अंतर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH क्या है, सजातीय श्रेणी में है। इसी तरह से आप किसी भी कार्बनिक यौगिकों के दिए गए समूह को चेक कर सकते हैं। अगर मान लो एग्जाम में आ गया क्या निम्नलिखित में कौन सजातीय श्रेणी में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिएगा क्या अणुभार बढ़ते क्रम में है, दूसरा नंबर आप चेक कर लीजिएगा क्या सभी में क्रियात्मक समूह है, तीसरा नंबर आप देख लीजिएगा क्या सी एच टू का अंतर है, और अगर ये तीनों कंडीशन कंप्लीट कर रहा है तो आप जान लीजिएगा कि सजातीय श्रेणी में है, ठीक है ना। ये दो कंडीशन आप ऑलवेज पाएंगे, एक सी एच टू का डिफरेंस, एक अणुभार का बढ़ता क्रम, ठीक है, ये दोनों हमेशा मिलेगा। क्रियात्मक समूह रहेगा तो देखेंगे और नहीं रहेगा तो नहीं देखेंगे। तो डियर फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। डियर फ्रेंड अब आज की क्लास में बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।